हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक पोलो। तो एक तो आप देख चुके हो वो रेड कलर वाली, वो तो टॉप मॉडल था, ये बेस मॉडल है। तो उसमें ऊपर से भी ज़्यादा काम हो रहा था। ये गाड़ी स्टॉक है पर ये ज़्यादा अच्छी लुक में लग रही है क्योंकि ये सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, अपनी जगह सब अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, थोड़ा पीछे से वॉक अराउंड देख लो इसका। उसमें लाइट्स भी मर्सिडीज स्टाइल वाली लगी हुई थी। तो चलो आगे से स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी की दिखा दूं मैं एक बार आपको। तो भाई गाड़ी में कुछ ऐसी की मिल जाती है सिंपल, कोई लॉक अनलॉक का बटन आपको नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसमें आफ्टर मार्केट अभी काम होना बाकी है। तो यहाँ देख लो, ऐसे आपको इसकी लाइट्स दिखेंगी हेलोजन। नीचे इसमें फॉग लैम्प इंस्टॉल होंगे, वो हम सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। इस साइड यहाँ पे आपको दिख जाएगा वोल्क्सवैगन का लोगो, ये देखो ये रहा। और नीचे नंबर प्लेट, उसके साइड में ग्रिल, यहाँ पे भी ग्रिल, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है एरी यहाँ पे। ये दो हाई बीम लो बीम और पार्किंग लैम्प का यहीं पे है। नीचे की तरफ आपको कोई भी डिफ्यूज़र वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता। थोड़े से साइड में आ जाते हैं इसके एलोए की तरफ, तो ऐसे इसके एलोए हैं भाई स्टार वाले। इनका साइज़ मैं आपको अगर बताऊं तो ये है 215/45R17। 17 इंच के टायर है भाई, ये बहुत मोटा टायर है, ऐसे देख लो, ऐसे काफ़ी मोटा है। ये टच नहीं होता है, चलने पे अच्छी फील देता है। बेस मॉडल में आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता फेंडर पे, वो सारा आपको यहीं पर दिख जाता है। हीरा यहाँ पर इंडिकेटर है। तो ये डार्क ग्रे कलर है इसका और यहाँ पे देख लो इंडिकेटर, ये रहा पेट्रोल वेरिएंट है ये रहे। इसके हैंडल पे यहाँ पे कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता, नॉर्मल है अपना। कोई भी क्रोम का काम तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, स्टॉक है गाड़ी अभी बिल्कुल। इसमें जो काम होंगे वो बता देंगे हम आपको। पीछे की तरफ यहाँ पर इसका कोई भी पेट्रोल डीजल टैंक नहीं मिलता, वो दूसरी साइड है। और थोड़ा पीछे आ जाएँ तो यहाँ पर पोलो की बैजिंग, वोक्सवैगन का लोगो। इसकी जो डिग्गी है वो यहीं से खुलती है ऐसे, इसको अगर हम नीचे करेंगे ऐसे तो ये ऐसे खुल गई। एक बार फिर से दिखाएं तो इसको आपको दबाना, एक बार छोड़ना, फिर ऐसे खींचना तो ये खुल जाएगी। तो नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर तो उधर है लाइट्स के, ये लाइट्स इसकी यूनिक है, थोड़ी अच्छी दिख रही हैं। ऊपर का जो भी काम होगा वो हम आपको दिखा देंगे इसमें। एक बार बैठ के देखें इसमें अगर पीछे, तो कार की सीट अच्छी खासी पीछे है, भैया की हाइट सही है जिनकी ये कार है, तो फिर भी स्पेस है। और इसका अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ टांग भी सकते हो, स्टोरेज है गिरा ऐसा कुछ। सीट्स भी इसकी अभी बेसिक हैं बिल्कुल, बहुत कम यूज़ होती है इसकी। रियर सीट्स भैया बता रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको। और ये देख लो इधर, इधर भी सेम है। यहाँ पे पीछे आपको कोई भी सॉकेट वगैरह नहीं मिलता, वो टॉप मॉडल में आपको सब कुछ मिल जाता है। और चलते हैं एक बार गाड़ी के आगे, इसके ड्राइव की भी बात करेंगे हम पेट्रोल में, देखते हैं कितनी आवाज़ करती है, क्या आवाज़ करती है, क्योंकि डीजल तो हम आपको एक बार दिखा चुके हैं। चल तो आगे चलते हैं। तो ये है भाई गाड़ी का फ्रंट डोर, देख लो यहाँ पर लॉक अनलॉक का आपको दिख जाएगा, लॉक अनलॉक। तो यहाँ पावर विंडो मिल जाएंगी दो आगे की, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। ये सीट है, तो ये बेस मॉडल से इसमें आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो सीट की, ऐसे उठा के इसको, और यहाँ से पीछे आगे कर सकते हो, नीचे से हो ही जाती है। तो एक बार बैठ के अंदर दिखाएं ज़रा। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर मिल जाता है इसका, 8000 तक मार्किंग, क्योंकि पेट्रोल है इसलिए। डीजल में 6000 तक आती है, 7000 तक ऐसी कुछ आती है। 240 तक इसकी मार्किंग है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो इसमें, ये से टेम्परेचर, बाहर का ट्रिप वगैरह सारी। नीचे से आप यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकते हो, ये चेंज हो गई किलोमीटर से, ट्रिप ए ट्रिप बी सारा कुछ दिख जाएगा। रेव करें गाड़ी को थोड़ा सा, तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है इसमें। BS6 वाली है, सॉरी 4BS4 है। यहाँ पर इसका कुछ ऐसा सिंपल स्टेयरिंग मिल जाता है बिल्कुल बेसिक। वोक्सवैगन का लोगो, यहाँ हॉर्न, इधर भी एयरबैग गाड़ी में आते हैं बेस मॉडल से ही। थोड़े बीच के पैनल की बात करें तो यहाँ पे
यहाँ पे ये मिल जाएगा एसी का, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो, इन्हें ऑन भी कर सकते हो। ये रहा इसका यहाँ पे मतलब सिस्टम, ऑडियो सिस्टम सारा कुछ है इसमें। थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ एसी वेंट्स के कंट्रोल दिख जाएंगे आपको, चार तक स्पीड है यहाँ पे, टेम्परेचर सेट कर सकते हो यहाँ पे, लेग्स वगैरह का सब कुछ सेट कर सकते हो, एसी और कार की हवा मतलब अंदर रहे वो सब। यहाँ बहुत डीप स्टोरेज है एक अंदर, देखो ये भी, यहाँ से अंदर भी सामान रख सकते हो आप, जो रखा भी हुआ है काफ़ी सारा। यहाँ पे दो कप होल्डर हैं, पावर सॉकेट है, यहाँ पे पांच गियर अभी भी कार में ही आते हैं। इसका रिवर्स नीचे दबा के लगता है और इसका पीछे की तरफ ही लगता है। तो ये रही कार की ये वाली सीट्स, इधर देख लो पीछे हो रखी है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। वो वहाँ पे कुछ आपको पकड़ने के लिए दे रखा है, डोर वगैरह बंद करने के लिए, जिससे आप कर सको डोर बंद। यहाँ इसका डैशबोर्ड है अच्छा खासा है, भी अंदर तक बड़ा है, कूल्ड वगैरह नहीं है कोई। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ये फ्लैप्स, जिस पे वैनिटी मिरर इस साइड नहीं है, इस साइड है वैनिटी मिरर जिसमें लाइट नहीं है कोई भी। वो यहाँ पे आपको इसके डबल इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड आए तो यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, इंडिकेटर लाइट सब कुछ इसका उल्टा रहता है पोलो का। और इस साइड आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे सारे। एक बार बोनट खोल के दिखाएं गाड़ी का। तो ये रहा भाई इसका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन BS4 वाला, ज़्यादा नॉइस नहीं करता ये, और जबकि इसमें यहाँ पे कोई कवर वगैरह नहीं है जिससे अंदर भी आवाज़ बहुत कम आती है, फिर भी देख लो यहाँ कोई कवर नहीं है। और ऐसा कुछ इंजन है इसका, देख लो ऐसी नॉइस करता है, अंदर तो बिल्कुल नहीं आती। तो इसको करते हैं बंद और इसकी लेके चलते हैं छोटी सी ड्राइव पे। तो आगे भाई कार के फिर से अंदर, तो यहाँ पे आपको इसके लाइट हेडलाइट वगैरह ऑन करने के मिल जाएंगे, यहाँ से ऑन कर सकते हो ऐसे, इसको पीछे खींचोगे तो ये अपनी फॉग लैम्प भी ऑन हो जाएंगे, जो अभी है नहीं लगवाएंगे वो। यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ एसी वेंट्स, यहाँ से आप विंडो को ऐसे मतलब अंदर से कर सकते हो, पर वैसे फोल्ड वगैरह नहीं कर सकते। ये रहा इसका यहाँ से पीछे वाला मिरर, यहाँ पे लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पोलो की छोटी सी ड्राइव पेट्रोल इंजन की, डीजल की तो हम आपको दिखा चुके हैं। तो भाई हमने स्टार्ट कर लिया है पोलो की राइड को। तो इसके टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें है, देखो फर्स्ट गियर पे आराम से चल रही है, एक बार सेकंड गियर और डाल के देखते हैं कि मतलब चलती है या नहीं। तो भाई सेकंड गियर पे भी चल रही है, टॉर्क इतना है कार में। थर्ड गियर पे भी चली जाएगी जिस हिसाब से चल रही है, मेन रोड पे इसको लेके चलते हैं। स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है इसमें, जो 17 इंच के अलॉय लग रहे हैं उनसे भी मतलब इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा कि ड्राइव पे कोई फर्क पड़ रहा हो। गड्ढे वगैरह जिनकी कार है वो भैया बता रहे थे कि 160 आराम से टच कर देती है इन अलॉय में भी, 17 इंच वालों में जो कि आफ्टर मार्केट है। तो अच्छी कार है, एक बार ओनर से मैं आपको पूछ के बताऊंगा कि ये कार रिकमेंडेड है या नहीं। वैसे तो सब कहते हैं कि पोलो रिकमेंडेड है, सब चला ही लेते हैं इसको आराम से, पिकअप के मामले में अच्छी है, सेडान को टक्कर दे देती है। तो और भाई इसकी स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है इसका, लाइट वेट है। थोड़े से पिकअप की बात करें तो हाँ पूरी एक्सलेट करती है, सेकेंड गियर पर देखो गियर पे 60 चढ़ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसको लेके चलते हैं वापस वहीं पे जहां से आए थे। इसमें डी कट तो नहीं है, स्टीयरिंग नॉर्मल है जैसे क्रेटा वगैरह में डी कट आ जाता है। तो भाई ये था हमारा कुछ पोलो का एक्सपीरियंस जो हमने आपको बता दिया, तो इसको करते हैं यहीं पे एंड।